गाजीपुर से मोहम्मद इसरार पत्रकार उप संपादक की खास रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत रावल में लोक संवाद कार्यक्रम में पूर्व जिलाध्यक्ष ने ग्रामीणों से की अपील, वीडियो ने दिलाई शपथ। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर जिले में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत क्षेत्र के रावल गांव में लोक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर बतौर मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह पहुंचे और कार्यक्रम में आमजन से संवाद किया। इस दौरान ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देकर उनकी पात्रता पूरी करने वाले ग्रामीणों से अपील किया कि वो योजनाओं का लाभ अवश्य उठाएं। उन्होंने उज्ज्वला पीएम आवास, वृद्धावस्था व विधवा पेंशन आदि के बारे में जानकारी दी। योजनाओं की जानकारी देने के लिए वेंदी गांव में पहुंची थी। खंड विकास अधिकारी धर्मेंद्र यादव ने ग्रामीणों को पंचप्रण की शपथ दिलाई। इस मौके पर ग्राम प्रधान सीमा यादव, बबलू यादव, रजई यादव, समाज सेवी विशाल सिंह, सागर छेदी यादव, अदालत यादव, सचिव मीनू देवी, सहायक विकास अधिकारी सत्य प्रकाश मौर्य आदि रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अपने रावल गांव के प्रधान श्रीमती सीमा यादव जी, अपने विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रही मीरा श्रीवास्तव जी, अपने पार्टी के वरिष्ठ नेता राम कृपाल जी, अपने मंडल अध्यक्ष के पिताजी भी हैं, वीडियो साहब, प्रधान संघ के अध्यक्ष मिर्जापुर गांव के प्रधान जी, समस्त सरकारी अधिकारीगण, इस गांव के सभी संभ्रांत नागरिक वर्ग, माताएं बहन, 14 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था अंत्योदय, यानी समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान, इस सपने को साकार करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। ऐसे अंत्योदय का सपना साकार हो रहा है तो अगर आप सरकार की योजनाओं को देखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, उसका लाभ अगर प्राप्त कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि समाज के अंतिम 14 से लेकर के अब एक एक योजना का, सभी योजनाओं का वीडियो साहब ने अभी आपके सामने बताया, लेकिन थोड़ा उसको विस्तार से मैं ये बताना चाहूंगा कि दिन में उजाला होने के कारण वो रात्र में सूर्यास्त का इंतजार करती थी और जब अंधेरा होता तो बाहर शौच के लिए जाती थी और जो दिन भर पीड़ा झेलती थी उस पीड़ा का एहसास आदरणीय प्रधानमंत्री जी को था। इस नाते अपने प्रथम उद्बोधन में उन्होंने स्वच्छता की बात की और देश में करोड़ों घरों को 12,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देकर के करोड़ों शौचालय का निर्माण कराने का काम किया है और अभी वो काम चल रहा है। ये पहला उनका अंत्योदय।